बच्चे काम कर रहा है तू, अब कहीं पे थोड़ी देर कावड़ को रख के आराम कर ले। इस बार मेरे बेटे तूने मुझे कावड़ यात्रा कराकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। अब बहुत देर से तू चला जा रहा है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुक जा, आराम कर ले। मम्मी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसी बैठी हो वैसी बैठी रहो इस कावड़ पर। जब मैं चल रहा हूँ तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अभी मेरे पैर थके नहीं है, जहाँ पर मुझे आराम करने का मन करेगा वहीं पे आराम कर लूंगा। आप तो सिर्फ कावड़ पे बैठी रहो, एक तरफ देख रहे हो गंगा जल है और दूसरी तरफ आप बैठी हुई हो। और मम्मी जी ये तो मेरा फर्ज है आपको कावड़ यात्रा कराना, मैं नहीं कराऊंगा तो कौन कराएगा? राहुल बागई में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस साल तुम कावड़ यात्रा पर अपनी मम्मी को लेकर निकले हो। एक तरफ गंगा जल के कलश है, दूसरी तरफ तुम्हारी मम्मी बैठी हुई है कावड़ में। वैसे राहुल बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दिल खुश हो गया तुम्हारा ये काम देखकर। एक बार प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय बोलेगी जय बोलेगी जय बोलेगी। मोदी जी आप भी ये बहुत अच्छी बात कर रहे हो, अब मैं कावड़ यात्रा कहाँ पर कर पाती? राहुल मुझे अपने साथ कावड़ यात्रा पर ले जा रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहन सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब देखो एक तरफ तो आप बैठी हुई हो, दूसरी तरफ कम से कम 80 लीटर जल लेकर राहुल चल रहा है। इतना वजन लेकर चलना बहुत बड़ी बात होती है। राहुल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, दोबारा मैं यही कहता हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तुम्हारी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब तुम थक गए होगे, थोड़ी देर रुक जाओ, आराम कर लो यहीं पे बैठकर। तुम तो चले ही जा रहे हो, थोड़ी देर रुक रुक कर चलो, वजन बहुत है तुम्हारे ऊपर। मोदी जी वजन है तो क्या हुआ, शिव जी की कृपा है मेरे ऊपर। आप आराम से चलो, मैं भी चल ही रहा हूँ, बेफिक्र रहो, मैं ऐसे ही चलता रहूंगा। मेरे कदम तब रुकेंगे जब मैं थक जाऊंगा, और मैं इतनी जल्दी आसानी से थकूंगा नहीं। मम्मी जी अब हर साल मैं आपको इसी तरीके से कांवड़ यात्रा कराया करूंगा। चलो जल्द से जल्द गांव पहुंचते हैं, वहां पर अपने शिव जी के मंदिर में इस गंगा जल को अर्पित करेंगे। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।